बाल विज्ञान सम्मेलन की तैयारियों को लेकर हमीरपुर के बाल स्कूल परिसर में 3 दिवसीय अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जिला भर के स्कूलों के अध्यापक हिस्सा लेकर बाल विज्ञान मेलों में बढ़िया से काम करने के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। साथ ही स्कूल अध्यापकों को बाल विज्ञान मेलों में बच्चों के अंदर छिपी हुई प्रतिभा को निखारने के लिए भी टिप्स दिए जा रहे हैं। प्रशिक्षण के दौरान जिला विज्ञान पर्यवेक्षक अश्विनी चंब्याल ने अध्यापकों को बाल विज्ञान सम्मेलन के बारे में जानकारी दी। जिला विज्ञान पर्यवेक्षक अश्विनी चंब्याल ने कहा कि बाल विज्ञान सम्मेलन के लिए अध्यापकों को प्रशिक्षित किया जा रहा है और ऑनलाइन पोर्टल के साथ जुड़ने के लिए भी सिखाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस साल होने वाले बाल विज्ञान सम्मेलन में ज्यादा से ज्यादा बच्चे भाग लें, इसके लिए भी विशेष बल दिया जा रहा है ताकि बच्चों की रुचि विज्ञान की ओर ज्यादा हो। चालीस नादौन विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के सभी पर्यवेक्षकों व बूथ लेवल अधिकारियों की बैठक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नादौन दिलेराम धीमान की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित 1 जनवरी 2020 को अर्हता तिथि के आधार पर फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण करने के बारे में बताया गया। साथ ही विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के दौरान की जाने वाली गतिविधियों के बारे में विस्तृत निर्देश दिए गए। उन्होंने उपस्थित सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को दिनांक 16 अगस्त 2019 से 30 सितंबर 2019 तक चलने वाले मतदाता सत्यापन अभियान के अंतर्गत अपने अपने मतदान केंद्र में व्यापक प्रचार करके सभी मतदाताओं को जागरूक करने को कहा, ताकि सभी नागरिक 30 सितंबर 2019 तक अपने व अपने परिवार के नामों का सत्यापन करके फोटोयुक्त मतदाता सूचियों को त्रुटि रहित व अपडेट किया जा सके। इसके अतिरिक्त उन्हें निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित अवधि तक वर्तमान फोटोयुक्त मतदाता सूचियों के घर घर जाकर सत्यापन के बारे में बताया गया। उन्होंने सभी पर्यवेक्षकों को अपने अपने बूथ लेवल अधिकारियों के कार्य की समीक्षा करके उन्हें उचित सहायता प्रदान करवाने के निर्देश दिए गए। बेशक हमीरपुर जिला को खुले में शौच मुक्त घोषित कर दिया गया है, लेकिन भोरंज के भोटी गांव में एक परिवार खुले में शौच करने को मजबूर है। भोरंज विधानसभा के भोटी गांव के इस परिवार के 5 सदस्यों को इसलिए खुले में शौच जाना पड़ता है क्योंकि इनके पास शौचालय बनाने के लिए जगह नहीं है। इस परिवार में 25 साल और 20 साल की 2 बेटियां भी हैं। परिवार के मुखिया अमर चंद जो कि लंबर का काम करते हैं, उनकी माने तो उन्होंने 2008-09 में भोटी में बड़ी मुश्किल से 2 से 3 मरले में एक कमरा खड़ा कर सिर ढकने के लिए छत तैयार की थी। पास ही थोड़ी सी जगह में शौचालय बनाना चाहा तो पड़ोसियों ने अड़ंगा डाल दिया, मामला कोर्ट में चला गया। आज तक वे कई बार जिला प्रशासन के अलावा क्षेत्र के प्रतिनिधियों से भी गुहार लगा चुके हैं, लेकिन यही जवाब मिलता है कि मामला कोर्ट में है इसलिए कुछ नहीं कर सकते। अब सवाल ये उठता है कि क्या प्रशासन इतना लाचार है कि उन्हें शौचालय बनाने के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था भी नहीं कर सकता। इन 9 से 10 वर्षों में क्षेत्र के विधायक भी बदलते रहे और जिला प्रशासन के अफसर भी, कईयों ने कोर्ट की दुहाई देकर पल्ला झाड़ा तो कोई आश्वासनों से टाइम काट कर चले गए। परिवार की मुखिया वीना देवी का कहना है कि उन्होंने अपनी समस्या यहां हुए जनमंच में भी उठाई थी। जब मुख्यमंत्री पहली बार भोरंज आए थे तो उन्हें भी परेशानी बताई थी। हर बार यही कहा जाता है कि कोई बात नहीं कर देंगे। वीना देवी की माने तो बरसात के मौसम में जब बेटियां खुले में शौच जाती हैं तो बहुत डर लगता है। जब स्थानीय विधायक से मिलते हैं तो कहा जाता है कि मामला कोर्ट में है तो मैं कुछ नहीं कर सकती। वीना देवी ने प्रशासन से उसकी समस्या का हल खोजने की मांग की है।
जिला में अमन शांति कायम करने और क्राइम पर अंकुश लगाने के लिए मासिक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में जिला में मौजूद सभी थाना चौकी प्रभारी मौजूद रहे। इस बैठक में भविष्य में क्राइम पर अंकुश लगाने को लेकर योजना तैयार की गई। साथ ही इस बैठक में शहर में ट्रैफिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने पर भी मंथन किया गया। बैठक की पुष्टि SP मंडी पुनीत रघु ने की। उन्होंने बताया कि इस बैठक में शहर में जिला में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।